আজি কন্ট্রোল দিবসের জেলা মাস্টার দিবসের সঠিক শিখি আর ইয়াস্টপ জেলা মাস্টার দ্বারা জেলা মাস্টার এম সিদ্ধিবালা টিম কে ক্যাপ্টেন করতে হ্যাঁ और मैं प्राची अभी तो हम लोग तो जीत जाते हैं। ब्रिलियंट एमसीडीस ने एक हाई वोल्टेज बस के रूप में इसमें कहीं ना कहीं नजर आएंगे और इसमें इसका मुख्य संचालक मोहल पूर्ति जी शिकायत चुकी है हो चुका है सेकंड राउंड का पहला मुकाबला तो हर टीम की अगर बात करें प्रथम चक्र में ब्रिलियंट पीएफसी टीम जो है तीन स्कोर बाद के साथ इस सेकंड राउंड में चले पा चुके हैं और इसका इलेवन लाल जर्सी लिए टीम हुआ और उसके साथ बॉल को चिन्हित करना होता टीम ब्रिलियंट एफसी हेलो काफले करीब से हेलो अच्छी कंट्रोल यार ड्रिलिंग करते उस पर चिन्हित सफल होता हुआ और उसके साथ वो अपना स्मार्ट क्या मार जैसे भाई कोशिश तो वहां पर ब्रिलियंट एफसी टीम के लिए मौका बन गया था लेकिन फिर इसका तिरस्पा हट टीम एसआई लेवल खिलाफ बाहुल फूर्ति अच्छी पासेस जर्राम हास्ता के लिए और जर्राम हास्ता इसे के साथ अच्छी पासेस डीकी बदरा के लिए डीकी बदरा का डिलीवरी करते हुए और साथ ही पास थे इसके साथ बेक पास मेनेस पास जर्राम हास्ता के लिए पहला बाल फूर्ति अच्छी पासेस फिर एक बार डोम्बी पासेस अलवाने का लेकिन टीम बदरा पास यहां पर कहीं ना कहीं रणनीति बनाया है टीम एसका 11 को रणनीति में अपनाते हुए और के दरमियान कहीं ना कहीं जो पड़ा बर्फकाश में कर रही टीम इसका एलेवन और ब्लैक जर्सी ये टीम बगैर नक्शी ये टीम भी कम नहीं है जो प्रथम चक्र में तीन स्कोर प्रथम चक्र में तीन स्कोर साथ इस सेकंड में जगह बनाई है तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा हालांकि इसका लेवल टीम सबसे सेकंड में सामने स्कोर लाल दिए हैं सिंह वाचिक तौर के साथ अर्धी बात करें लेकिन गोल कीपर गिरते पड़ता अच्छा प्रदर्शन टीम के लिए और पहला यहाँ पर एक चांस रेकी था लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से शिकार अपने दस्तान समेटते हुए गोल कीपर की अगर बात करें जाली बाहर हो दिया था टीम तरफ से जी हाँ इसका लेकर टीम तरफ से जो खिलाड़ी साबित हुआ है ये निश्चित ग्रीला सॉलिड सोकर जिस टीम से खेलने खिलाड़ी जुड़े हुए हैं काफी मजबूत टीम है इसका इलेवन बटकरा की एक बार मुकेश का जोरदार शॉट यहां देखने को मिल सकता था लेकिन साइज से पर नहीं सॉलिड सोकर पांच के सातों में लेकिन इधर से बात करें
विधान टीम तरफ से जो कि मुकाब क्या चलो कमल खुराना खिलाड़ी और टीम कैप्टन समीर सार जासर भाई और प्रथम चक्र में इसको लगे थे टीम कैप्टन जासर भाई और शासक राहुल जसन को ये गोल लगे थे प्रथम चक्र में और पांच नंबर खिलाड़ी बाबू टीनू ये कलर गोल लगे थे और यूपीएस लोग प्रथम चक्र में इस कलर में टीम के लिए इसको लगे थे जो कि जसन का सिक्स कुछ भी होने की संभावना क्या नाम उसकी होगा जीतेगा स्काई इलेवन या फिर ब्रिलियंट एफसी एक कहीं ना कहीं किसी घर के अंदर में एक कोने में छिपी हुई बात के बराबर है रिजल्ट किसके पक्ष में जोरदार शॉट वाला चौक देखिए लेकिन गोलकीपर शिवचरण बैटिंग के साथ समय का दुर्दान तो उसके साथ करने के बोल को भेजा है गोलाई से बाहर और यहां पर खुमार का जीत होगा टीम के लिए और इस दिनेश का मैच होगा सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला बीएलपी निकला जाएगा टीम प्रेसर विशेष अगर रहेगा कि वो टीम को अपने टीम को रिलीफ रखेंगे मैच जो कहीं ना कहीं अभी तक टीम कर रहा भाई 15 नंबर भाई कोशिश करो सोट ले और 11 नंबर पे तो बोला हो पाए 11 नंबर डायरेक्ट गोल इंडिया जीता और आगे कौन से बाल नहीं
और इस मुकाबले को जो बीस रन के बाद खेल होनी है जाएंगे फुटबॉल स्टॉप यानी कि फुटबॉल स्टॉप यूज करेंगे। इस मुकाबला आप दोबारा देना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब चैनल में बिल्लेजर फुटबॉल स्पॉट। राजू के लिए जयराम अग्नि कर चुके थे और फिलहाल दो नंबर राहुल राम एफ सी दूरी से ट्राई की लेकिन कोई कपड़ा नहीं और कोई बेनिफिट नहीं दोनों टीम के लिए। प्रमाद हो सकती है उनके पास बहुत क्षमता है प्रमाण अपने टीम के लिए। कोई भी टीम कोई भी खिलाड़ी खिलाड़ी गोल पोस्ट में यानी कि
दो बनाए हैं। राम पुत्रन गोलकीपर जाएंगे तेरे बंचे साइड चेंज है बदर साइड है चला सिकरा बोल बैन जो अच्छे स्क्रीन के साथ अपना शॉट लेकिन गोलकीपर बॉल को रोका इस प्रकार से ही लगे रहना होगा टीम को बीच में और बात लगातार प्रयास जारी करना होगा। बाउल कुर्ती यहां पर भी कोशिश बाउल कुर्ते यहां पर कोशिश है बराबरी हो सकती है जिस तरह प्रथम चक्र में इसका लेवल टीम ने उसके बाद कुछ शर्मा अंतिम समय में लेकिन कहा बाबुलपुर के यहाँ पर बाईस खास सपना पूरा अपने टीम के लिए स्कोर और इसके साथ इस मुकाबले